वक्त अब ऐसा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है कि बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी हुई है, जेडीपी भी इस मोड़ पर है कि करे तो क्या करे, विधायक उनके साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत दिखा रही है। ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कहा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, उनको जरूर सुनना चाहिए, सुनिए। ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है, आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि तीन जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया, इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी नहीं। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सर नहीं आई है? अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर मेरे पास जानकारी नहीं। वैसे तो यूजुअली जब एक अविश्वास प्रस्ताव आता है उसके 6 महीने के पश्चात ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये एक टेक्निकल चीज है जो हमेशा हमें देखने को मिली है। ये तो सब काल्पनिक चीजें हैं, जब सामने आएगी बात तो फिर उसको निर्णय करेंगे। सर क्या राज्यपाल अपना सदन बुला सकते हैं, अपना आदेश कर सकते हैं सदन बुलाने के लिए? राज्यपाल हमारे बहुत मतलब जो संवैधानिक हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं, कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें।